एक कहावत है कि हारकर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और ऐसा ही बाजीगर है विश्व क्रिकेट में अगर देखा जाए न्यूजीलैंड की टीम बेशक हार गई टीम इंडिया से सेमीफाइनल में, लेकिन उसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम ने दिल जीत लिया। और खास तौर पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने जो कहा मैच के बाद, उनका जिस तरीके का जेस्चर सामने आया उसने दिल जीत लिया। करोड़ों क्रिकेट फैंस ये बात कह रहे हैं कि क्रिकेट जगत का अगर कोई सबसे बदनसीब खिलाड़ी है या कोई सबसे बदनसीब कप्तान है तो वो केन विलियमसन है। आपको याद होगा सेमीफाइनल 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड की टीम पहुंची थी लेकिन हार गई। सेमीफाइनल 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड पहुंची थी लेकिन हार गई। रनरअप रहे 2015 में आपको याद होगा 2015 में रनरअप रहे थे, फाइनल में पहुंची थी लेकिन हार गई। 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में पहुंची लेकिन क्रिकेट के नियम के चलते हार गई। सेमीफाइनल इस बार भी 2023 में न्यूजीलैंड की टीम पहुंची लेकिन हार गई। लेकिन इन तमाम हार के बावजूद न्यूजीलैंड की टीम का ना तो कोई बवाल आपने सुना होगा, ना कोई सवाल उन्होंने खड़ा किया। बस केन विलियमसन कप्तान, जब से वो कप्तान बने हैं चेहरे पर शिकन कभी नहीं आई, हंसी उनके चेहरे पर रहती है। 2015 हारे, चेहरे पर हंसी। 2019 हारे, बेशक बवाल हुआ, बेशक क्रिकेट जगत ने सवाल खड़े किए कि भाई साहब ये तो न्यूजीलैंड के साथ गलत हो गया है, बेशक ये कहा गया कि इस नियम के आधार पर फैसला होना नहीं चाहिए था, बेशक ये कहा गया कि इंग्लैंड तो बेवजह के चैंपियन बन गया, लेकिन न्यूजीलैंड ने कभी सवाल नहीं खड़े किए। केन विलियमसन के चेहरे पर तब भी हंसी थी, तब भी उनके चेहरे पर कोई मायूसी नहीं थी, और उस वक्त भी उन्होंने हंसकर कहा था कि ये क्रिकेट है, क्रिकेट में हार जीत चलती रहती है। उसके बाद अब 2023 में जब न्यूजीलैंड की टीम को भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा और शानदार कप्तानी करने के बावजूद जिस तरीके से न्यूजीलैंड हारी, केन विलियमसन के चेहरे पर उसके बावजूद भी कोई शिकन नहीं थी। केन विलियमसन हंस रहे थे और हंसते हुए चेहरे से उन्होंने कहा कि टीम इंडिया ने कमाल की क्रिकेट खेली है और टीम इंडिया चैंपियन बनने लायक है, टीम इंडिया को विश्व कप जीतना चाहिए। उसके बाद जो विराट कोहली ने उनको गले लगाया, जाहिर तौर पर उसने दिल जीत लिया। इस तस्वीर ने जिस तरीके से विराट कोहली ने केन विलियमसन को गले लगाया, यह कहा गया कि दुनिया के दो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जब गले मिले तो यह कहा गया कि भाई साहब केन विलियमसन दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे बदनसीब हैं, लेकिन इस खिलाड़ी का, इस इंसान का कोई हेटर नहीं है, इस इंसान को कोई नफरत नहीं करता होगा। दुनिया में बेशक कितने भी देशों के क्रिकेट कप्तान हैं, इतने सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन केन विलियमसन इकलौता ऐसा खिलाड़ी होगा जिसका कोई हेटर नहीं है, हर कोई इसको पसंद करता है। इस इंसान का जो जेस्चर होता है, बेशक ये बड़ा टूर्नामेंट हार जाए, बेशक ये फाइनल विश्व कप का हार जाए, बेशक इसके साथ कुछ भी हो जाए, बेशक 2019 में बवाल खड़ा हो जाए फाइनल के बाद, लेकिन केन विलियमसन ने कभी अपनी जुबान से कोई सवाल खड़े नहीं किए। और यही बात केन विलियमसन को दुनिया का सबसे महान इंसान बनाती है, सबसे महान क्रिकेटर बनाती है, सबसे महान कप्तान बनाती है। तो जाहिर तौर पर 2023 में बेशक केन विलियमसन की टीम, न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ सेमीफाइनल हार गई हो, लेकिन उसके बावजूद हार कर भी जीतने वाला न्यूजीलैंड चैंपियन है। आपका इस न्यूजीलैंड की हार पर और केन विलियमसन के इस जेस्चर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में केन विलियमसन इस क्रिकेट जगत के सबसे बदनसीब कप्तान है? कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।